नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी न्यूज में। बिहार में रविवार तक कोरोना का एक भी सक्रिय मामला नहीं था, लेकिन अब 14 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 12 गया में हैं। उल्लेखनीय है कि गया में विदेशों से तीर्थयात्रियों का तांता लगा हुआ है, जो दलाई लामा के प्रवचनों में भाग लेने के लिए 20 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित बोध गया जा रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में पिछले सप्ताहांत में कोविड-19 के उपचाराधीन मामलों में 10 गुना से अधिक की वृद्धि देखी गई है। राज्य में रविवार तक एक भी सक्रिय मामले नहीं थे, लेकिन अब 14 मामले सामने आए हैं। तिब्बती आध्यात्मिक नेता 2 साल के अंतराल के बाद बिहार में है। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल पर कोविड-19 के 5 मामले सामने आए थे, जिनमें सभी विदेशी नागरिक थे। इसके अलावा दरभंगा और पटना में एक एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। इस बीच एम्स पटना के कार्यकारी निदेशक डॉ. गोपाल कृष्ण पाल ने एक बयान में कहा कि आसन्न 4थी लहर की अफवाहों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हालांकि यह समझदारी होगी कि लोग भीड़। ऐसे ही और भी खबरें जानने के लिए जुड़े रहें टीवी न्यूज़ में।